अभिनेत्रियां अपनी बढ़ती और बदलती जिंदगी को कभी नहीं भूल पाती, लेकिन जब जिंदगी में कुछ खुशहाल वक्त आते हैं तो उन यादगार लम्हों को अभिनेत्रियां शेयर भी करती हैं। तो आज नेक्स्ट नाइन न्यूज की तरफ से हमारे इस शो में बर्थडे स्पेशल में बर्थडे क्वीन सुप्रिया पाठक की लव स्टोरी से आपको हम रूबरू कराएंगे। वो सुप्रिया पाठक जिन्होंने दीपिका पादुकोण की मम्मी का किरदार निभाया फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में। वो सुप्रिया जो कि खिचड़ी की हंसा के रोल से खूब फेमस हुई। वो सुप्रिया जो कि शाहिद कपूर की भले ही रिश्ते में स्टेप मॉम हो, लेकिन अपनी माँ की तरह ही सुप्रिया ने शाहिद को प्यार दिया है। अपनी माँ की तरह ही सुप्रिया को शाहिद ने अपनाया है। लेकिन वो कौन सा मौका था जब एक हफ्ते यानी कि 7 दिन के अंदर ही सुप्रिया की पहली शादी टूट गई थी। आइए हम जानते हैं हमारे इस शो में आज सुप्रिया पाठक के बर्थडे के दिन कैसे थी उनकी लव स्टोरी पंकज कपूर के साथ, जिनकी माँ मिट गई थी कपूर परिवार से, नहीं चाहती थी वो अपनी बेटी की शादी पंकज कपूर से। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये फिल्मी दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ कौन सा रिश्ता किसके साथ कब टूट जाता है, कब किसके साथ कौन सा रिश्ता सालों के लिए जुड़ जाता है, इसका अंदाजा खुद फिल्मी सितारों को नहीं लगता। आज चलिए हम आपको फिल्मी दुनिया की ही एक हसीना से रूबरू कराते हैं, जिनके जन्मदिन पर हम लाए हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों को। वो कोई और नहीं सुप्रिया पाठक कपूर है, जिन्होंने शादी रचाई बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर के पिता बॉलीवुड के शानदार एक्टर पंकज कपूर के साथ। साल 1988 में पंकज कपूर के साथ शादी रचाने वाली सुप्रिया पाठक की आज हम बात कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल देना चाहेंगे, आखिर किस वजह से एक हफ्ते के अंदर ही सुप्रिया की शादी टूट गई थी और सिर्फ पंकज कपूर के प्यार में उन्होंने हर किसी के खिलाफ जाने का फैसला ले लिया था। जी हाँ, आपके फेवरेट शाहिद कपूर की स्टेप मॉम सुप्रिया की हम कर रहे हैं बात। जैसा कि आप जानते हैं, शाहिद कपूर की अपनी मां नीलिमा के साथ पंकज कपूर ने तलाक लेने के बाद सुप्रिया के साथ शादी रचाई थी। लेकिन इसके अलावा आपको कई ऐसी बातें होगी जो नहीं मालूम होगी, तो आज उनकी मोहब्बत के किस्सों से आपको रूबरू कराते हैं, जब प्यार में पड़कर सुप्रिया और पंकज ने हर किसी की सोच को बदल कर रख दिया। शाहिद कपूर के पापा के प्यार में कैसे सुप्रिया ने सब को छोड़ उन्हें अपनी सारी उम्र प्यार देने का फैसला लिया, सारी जिंदगी उनका साथ देने का फैसला ले लिया। जैसा कि आपको मालूम हो, रामलीला फिल्म में दीपिका पादुकोण की मम्मी का किरदार निभाने वाली सुप्रिया पाठक कपूर 58 साल की हो चुकी है। 7 जनवरी साल 1961 में जन्मी सुप्रिया पाठक फिल्मी एक्ट्रेस होने के साथ टेलीविजन और स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने खास तौर पर पॉपुलैरिटी गेन की थी टीवी शो खिचड़ी के हंसा पारिक किरदार से। इस किरदार में उन्हें खूब सराहा गया, जिन्होंने अपने शानदार अंदाज में संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में ढंकोर बा के तौर पर शानदार अपने किरदार को इस तरह निभाया कि हर कोई उन्हें याद करता है। तो वहीं अमरावती में वैभू का किरदार भी कोई और नहीं सुप्रिया पाठक ने ही निभाया। वैसे तो आपको मालूम होना हो, लेकिन सुप्रिया और पंकज के अपने दो बच्चे हैं, सनाह कपूर और रुहान कपूर। आपको ये भी मालूम नहीं होगा, लेकिन
सुप्रिया पाठक जो है रत्ना पाठक की बहन है, बॉलीवुड एक्ट्रेस रत्ना पाठक, जिन्होंने तमाम फिल्मों में अपने किरदार को इस कदर निभाया है कि हर कोई उनकी तारीफ ही करता है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में नजर आने वाली रत्ना पाठक को आप शायद ही भूल पाएंगे। वहीं दीना पाठक बलदेव पाठक की बेटी सुप्रिया पाठक की अगर शादी की बात करें तो एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपने शादी को लेकर सोचा भी ना हो, लेकिन एक हफ्ते के अंदर टूट गई थी उनकी शादी। जी हाँ, कुछ ही फिल्मों के जरिए खूब मशहूर होने वाली सुप्रिया खिचड़ी की आज भी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस मानी जाती हैं, जिन्होंने साल 1981 में अपनी करियर की शुरुआत फिल्म कलयुग के जरिए की थी। बॉलीवुड में अब तक 40 साल तक काम कर चुकी सुप्रिया पाठक एक थिएटर आर्टिस्ट भी कहलाती हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम डांसर के तौर पर भी काम किया है। बात उनकी पर्सनल लाइफ की हो रही है तो आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ 22 साल की थी सुप्रिया जब उनकी शादी उनकी अपनी माँ के एक दोस्त के बेटे से कर दी गई थी। और शादी जब हुई तब नहीं पता था किसी को कि ये शादी एक साल के अंदर ही टूट जाएगी। जी हाँ, दोनों की शादी की ऐसी खबरें थी कि साल 1986 में दोनों की शादी टूटने के बाद असली हमसफर से हुई सुप्रिया की मुलाकात, जिनका नाम है बॉलीवुड एक्टर पंकज कपूर। जी हाँ, पंकज कपूर बॉलीवुड के मंझे हुए एक्टर, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी नीलिमा अजीम से तलाक लेने के बाद सुप्रिया को दिल दे दिया था। जानते हैं कैसे इनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई। वेल, फिल्मी पर्दे की लोकप्रिय जोड़ी तो नहीं, लेकिन फिल्मी पर्दे के पीछे की मशहूर जोड़ी है ये, जिन्हें साथ में आपने शानदार फिल्म में भी देखा होगा। वहीं आपको बता दें, दोनों को आपने ये बात भले ही कहते ना सुना हो, लेकिन बेहद मुश्किल दौर से ये दोनों गुजर चुके थे। साल 1986 में पीएचडी पूरी करने के बाद सुप्रिया जब मुंबई से अहमदाबाद पहुंच आई थी तो उनकी मुलाकात अपनी माँ के दोस्त के बेटे से हुई, जिसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ा और फिर शादी हो गई। लेकिन फिर एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से सुप्रिया और उनकी पहली शादी की जिंदगी ही खत्म हो गई। वहीं आपको बता दें, पहली शादी की जिंदगी को पीछे छोड़कर सुप्रिया आगे बढ़ी तो वहीं उनके पति ने भी उनसे अलग होने का फैसला लिया। फिर क्या, किसी तरह आगे बढ़ी वो और तलाक लेने के बाद मुंबई लौट आई सुप्रिया, जहां उनकी जिंदगी बदल गई। साल 1986 में 24 साल की थी सुप्रिया जब भटिंडा में एक फिल्म के सेट पर उन्हें पंकज कपूर से मुलाकात करने का मौका मिला। और फिर क्या, प्रोफेशनल तौर पर एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को पर्सनल बनाते गए ये दोनों। अगला मौसम नाम की फिल्म में दोनों साथ काम करते थे जब दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर क्या, जो फिल्म तो आज तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म ने इन दोनों को अपनी मोहब्बत का इजहार करने का मौका दे दिया। एक दूसरे को उन्होंने साथ ही चुन ही लिया। 9 साल तक पंकज कपूर शादी टूटने के बाद अकेले ही थे, तो वहीं उन्होंने 9 साल की शादी तोड़ने के बाद, नीलिमा से अलग होने के बाद, अपने 3 साल के बेटे शाहिद को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जी हाँ, आपको ये मालूम भले ना हो, लेकिन अपनी पत्नी से अलग होने के बाद वो साथ रहते थे अपने बच्चों के, लेकिन फिर जब पंकज और सुप्रिया की मुलाकात हुई तो देखिए ना किस तरह उनका प्यार परवान चढ़ा कि आज हर किसी के जुबा पर दोनों की बातें हो रही है। पहली शादी टूटने के बाद दोनों एक ही रिश्ते से गुजर रहे थे, एक ही सिचुएशन से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से एक दूसरे का हमदर्द बनने का दोनों ने फैसला ले लिया। घंटों की बातें और सुबह साथ वक्त गुजारना, फिर इस तरह से दोनों की मोहब्बत ने एक नया रूप ले लिया। बता दें, 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद पंकज और सुप्रिया एक दूसरे के हुए, और शायद आज भी दोनों के रिश्ते में वही मोहब्बत बरकरार है जिसे शाहिद कपूर से लेकर उनके
हर परिवार वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है और आज अपनी सौतेली माँ पर भी शाहिद कपूर जमकर प्यार लुटाते हैं। साल 1989 में दोनों की शादी हुई और फिर परिवार वालों ने भी अपना लिया और आज भी ये दोनों साथ हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह से इनकी लव स्टोरी पूरी हुई और सिंपल स्वीट लव स्टोरी की बातें आज भी इसलिए ही होती हैं। भले ही माँ को गिले थे, शिकवे थे अपनी बेटी और पंकज के रिश्ते से, लेकिन फाइनली पंकज और सुप्रिया की माँ के बीच, दीना पाठक के बीच रिश्ता सुधर गया। अब वक्त हो चला है यहीं पर इस शो का दी एंड करने का, तो लेते हैं हम इजाजत आपसे। हैप्पी बर्थडे टू सुप्रिया फ्रॉम आवर नेक्स्ट 9 न्यूज फैमिली, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड एंड द शो। तो दोस्तों देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज, जुड़े रहे इसी तरह बॉलीवुड की अपडेटेड खबरों के साथ। नमस्कार।